हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट फॉर आईक्यू में। कैसे हैं आप लोग? देखिए दोस्तों, उत्तराखंड सिविल जज के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इस वीडियो में मैं कवर करा रहा हूँ। खासकर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को लेकर हम डिस्कस करने वाले हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो सेगमेंट को लाइक भी करें, साथ में चैनल सब्सक्राइब कर लें जो भी उत्तराखंड सिविल जज की तैयारी कर रहे हैं या फिर अन्य जुडिशरी एग्ज़ाम की, क्योंकि मैं जुडिशरी एग्ज़ाम के लिए टारगेट फॉर आईक्यू केवल जीएस को ही टारगेट करते हैं हम लोग, और आप लोगों के लिए काफ़ी रिलेवेंट चीज़ें इसमें होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है सत्येंद्र, और आपको अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दे दूंगा। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के बारे में हम कुछ पढ़ लेते हैं, उसके फैक्ट भी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। इसका मुख्यालय अगर आपसे पूछा जाए, हेडक्वार्टर कहाँ पर है यूएनओ का, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस का, तो इसका मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क। कहाँ पर है? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए में, ठीक है। और 24 अक्टूबर 1945 को ये इस्टेब्लिश हुआ था, इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, ये चीज़ याद रखेंगे। इसके बाद 50 देश इसमें थे जब ये सदस्य, इसकी जब शुरुआत हुई थी, और वर्तमान में 193 देश इसके अंदर हैं, ठीक है, ये चीज़ें नोट कर लें। फैक्ट आपको एमसीक्यू में बहुत मोस्ट प्रबल थी, क्योंकि उत्तराखंड में आप लोगों के लिए ज़्यादातर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की ही आते हैं, ठीक है। तो इसमें 193 देश है, 193 जो देश है वो है दक्षिणी सूडान, ठीक है, दक्षिणी सूडान है अफ्रीका महाद्वीप का, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद अगर इसकी बात करें तो इसके 6 भाग होते हैं, ठीक है, मैं आप लोगों को बताऊं, इसके 6 पार्ट होते हैं। अब कौन कौन से पार्ट होते हैं आप नोट कर लीजिएगा। अगर आपको क्वेश्चन आए कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग होते हैं, यानी कितने पार्ट होते हैं, हाउ मैनी पार्ट्स ऑफ यूएनओ, तो यूएनओ में कितने पार्ट्स होते हैं, तो वो होते हैं 6। कौन कौन से? एक होता है महासभा यानी जनरल असेंबली, सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, प्रन्यास परिषद, इसको बोलते हैं ट्रस्टनीशिप, ठीक है, और एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, एक है सचिवालय, सेक्रेटरीट, ठीक है। तो ये 6 पार्ट संयुक्त राष्ट्र संघ के होते हैं, ठीक है। और इस संयुक्त राष्ट्र संघ में जो इंटरनेशनल कोर्ट होता है उसका जो मुख्यालय है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का, वो कहाँ पर है? हेग में, नीदरलैंड की राजधानी हेग में, ठीक है, ये याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसके बारे में मैं आप लोगों को बता दूं, संयुक्त राष्ट्र संघ की यानी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की कितनी भाषाएं हैं? 6 भाषाएं हैं, लेकिन कार्यकारी जिनमें ऑफिशियल वर्क अभी होता है तो वो सिर्फ 2 ही लैंग्वेज हैं, ये भी नोट कर लें, सिर्फ 2 लैंग्वेज हैं, अंग्रेजी और इंग्लिश और फ्रेंच, ठीक है, इसको भी नोट कर लें आप। समझ में आ रहा है आप सभी के? इंग्लिश और फ्रेंच 2 भाषाएं हैं, टोटल भाषाएं 6 हैं, लेकिन 2 भाषा में ये भी काम होता है, ठीक है, ये चीज़ याद रखें। 6 पार्ट होते हैं, मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम बात कर लेते तो इसका काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि इसका ध्वज और इसका राष्ट्रीय संघ का ध्वज कैसा होता है, तो इसकी पृष्ठभूमि हल्की नीली है, ये भी मैं बताऊँ, और इस पर श्वेत रंग के राष्ट्र संघ का प्रतीक बना है, ठीक है। और यह प्रतीक क्या है? 2 जैतून के वृत्ताकार शाखाएं, यानी जैतून का जो वृक्ष होता है उसकी वृत्ताकार शाखाएं, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, जिस पर विश्व का मानचित्र बना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें प्लीज़ आप नोट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यूएनओ का जो ऑफिस है वो न्यूयॉर्क में है, 39 मंजिला ये ऑफिस है, और कौन से द्वीप पर बनाया है? ये बनाया है मैनहट्टन द्वीप पर, मैं एक बार लिख दे रहा हूँ, आप लोग इसे नोट कर लेंगे, मैनहट्टन द्वीप पर ये बना हुआ है, ठीक है। तो ये बात हो गई यूएनओ की, ठीक है। और इसके बाद इसका एक पार्ट होता है महासभा, जैसे मैं बता रहा था, जिसे विश्व की लघु संसद भी बोला जाता है, यानी वर्ल्ड मिनी पार्लियामेंट किसे बोला जाता है? महासभा को, जनरल असेंबली को, ठीक है, ये भी चीज़ आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद एक इसका पार्ट था सुरक्षा परिषद का, सिक्योरिटी काउंसिल का, तो उसे दुनिया का पुलिस मैन भी कहा जाता है, ये चीज़ याद रखेंगे, किसको? सिक्योरिटी काउंसिल को। और इसके 5 स्थायी सदस्य हैं। अब 5 स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं आप लोग इसको नोट कर लें प्लीज़, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो है अमेरिका, यूएसए, ठीक है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूएसए, ठीक है। दूसरा है रूस, रसिया, ठीक है। तीसरा है ब्रिटेन, ठीक है, ब्रिटेन। और चौथा है फ्रांस, ठीक है, इसको भी नोट कर लेंगे फ्रांस को। और पांचवा है चीन। तो एशिया का केवल एक ही देश है, ये याद रखें, ब्रिटेन और फ्रांस और रूस, ठीक है, उसके बाद अमेरिका, 5 देश इसके अस्थाई हैं, इनके पास ही स्थाई, सॉरी, 5 देश ही स्थाई हैं, इनके पास ही सारी पावर होती हैं यूएनओ की, जिसमें टोटल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 स्थाई होते हैं और 10 अस्थाई, यानी 5 जो होते हैं टेम्परेरी, 5 जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं और 10 जो होते हैं वो टेम्परेरी होते हैं, ठीक है, ये चीज़ याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद
हम लोग इसके बारे में और बाद में आपको इसी वीडियो में काफ़ी है यूएनओ के बारे में, अब इसके बात कर लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, ठीक है, यूएन एनवायरमेंट इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इसका जो मुख्यालय है वो नैरोबी में है, ये भी काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है, तो इसको नोट कर लेंगे, ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद यूनिसेफ का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क सिटी में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यूनाइटेड नेशन एंड इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखेंगे। यूएसए अमेरिका न्यूयॉर्क सिटी में इसका मुख्यालय। डब्ल्यूटीओ, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जेनेवा में इसका मुख्यालय, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। डब्ल्यूटीओ की जो स्थापना हुई थी, मैं आप लोगों को बता दूं, नोट कर लें, 1 जनवरी 1995 में हुई थी, 1 जनवरी 1995 एक जनवरी डब्ल्यूटीओ को बना था, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है, इसका मतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रणाली के लिए कानूनी आधार पर उपलब्ध कराना और व्यापार को सुलभ बनाना, ठीक है, ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद डब्ल्यूएचओ, इसका मुख्यालय है जेनेवा में, इसको भी प्लीज नोट कर लें, स्विट्जरलैंड की राजधानी, और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 7 अप्रैल 1948, यानी 7 अप्रैल, आप लोग इसको नोट कर लेंगे, डब्ल्यूटीएचओ की 7 अप्रैल 1948, ठीक है, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये भी आप लोगों के लिए, यानी समस्त लोगों के लिए स्वास्थ्य की उच्चतम संभव दशा को इसमें प्राप्त करना होता है, ठीक है। इसके बाद गैट है, जिसकी जगह डब्ल्यूटीओ बना था, बाद में डब्ल्यूटीओ बन गया था, गैट इसकी कभी कभी जेनेवा में मुख्यालय, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड्स इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है, फुल फॉर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेंगे। यूरोपियन कॉमन मार्केट ECM जेनेवा मुख्यालय, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं ECTA यूरोपियन मुक्त व्यापार संघ जेनेवा में, ठीक है। ILO काफ़ी बार आ चुका है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ILO इंटरनेशनल लेबर्स ऑर्गेनाइजेशन जेनेवा में इसका मुख्यालय, ठीक है। रेड क्रॉस जेनेवा में, ठीक है, ये भी बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। एक है UNCHR, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका भी मुख्यालय कहाँ पर है, जेनेवा में। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग, ये भी बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। इसके बाद हम बात करें नाटो का जो मुख्यालय वो है कहाँ पर, ब्रुसेल्स, ठीक है, कैपिटल ऑफ बेल्जियम, ठीक है, और 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना हुई थी, ये भी याद रखेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं कॉमनवेल्थ कंट्रीज होती हैं, राष्ट्रमंडल, लंदन में इसका मुख्यालय है। वर्ल्ड बैंक का वाशिंगटन DC, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका भी कहाँ पर है, Washington DC, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद है यूनेस्को पेरिस फ्रांस में इसका मुख्यालय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये है यूनाइटेड नेशंस, एजुकेशन एंड साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी लूसान है स्विट्जरलैंड, ये भी बहुत बार एग्जाम में आया, तो इसको भी नोट कर लें, ठीक है। आसियान कंट्री का आप लोगों को पता ही है, तो ये भी जकार्ता इंडोनेशिया में, जो समिट हुई है 2018 की वो सिंगापुर में हुई है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं आप लोगों के लिए, तो ये ECA अफ्रीकी आर्थिक आयोग, इसकी भी आसिकी अदिस अबाबा, ठीक है, ये भी काफ़ी बार आ चुका है, इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। और इसके बाद एक है संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन UNCTAD, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जेनेवा में ही इसका मुख्यालय है, ठीक है। तो इन्हें नोट कर लीजिएगा, जो भी मैंने वेरी इंपॉर्टेंट बताएं प्लीज़ उन्हें नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, थैंक यू सो मच, मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय।